हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दोस्तों क्या आप भी कुछ इस प्रकार से दुर्गा माता मूविंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिट करना चाहते हो, जो कि इस समय यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है? तो दोस्तों आज का जो है वीडियो है आप अंत तक जरूर देखिएगा। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों सिंपली आपको VN एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। जैसे ही आप VN एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आपको नीचे प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो वाले सेक्शन पर चले जाना है और आप जिस भी फोटो से दुर्गा माता वाला मूविंग लिरिक्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आपको उन्हीं फोटो को कर लेना है सिलेक्ट। तो आप यहाँ से 6 फोटो को कर लीजिए सिलेक्ट। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट और आपको यहां पर ओरिजिनल को कर लेना है सिलेक्ट, 9:16 को कर लेना है सिलेक्ट और आपको यहां पर फोटो के लास्ट में चले जाना है और आपको इस ब्लैक इमेज को कर देना है डिलीट। उसके बाद आपको सिंपली अपनी फर्स्ट वाली फोटो पर आ जाना है और आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है, जूम वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको यहां पर मूव लेफ्ट को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप मूव लेफ्ट को सिलेक्ट करोगे, आपको सिंपली कर देना है डन और आपको यहां पर सेकंड वाली फोटो पर आ जाना है और आपको जूम पर जाना है। जूम पर जाने के बाद आपको यहां पर मूव राइट को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको सिंपली इन दोनों एनिमेशन को सभी फोटो में कर लेना है सिलेक्ट। तो आप कर लीजिए। सभी फोटो में एनिमेशन को ऐड करने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट वाली फोटो के शुरू में आ जाना है और आपको यहां पर थर्ड में प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट और आपको यहां पर एक बाइट शैडो PNG दे दूंगा तो आप उसी बाइट शैडो PNG को कर लीजिए सिलेक्ट। उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहां पर ब्लेंडिंग पर चले जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करके कर देना है डन। डन करने के बाद आपको यहां पर फिल वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट और आपको यहां पर इस वाली PNG को कुछ इस प्रकार से इतना नीचे लेकर आ जाना है और आपको इस वाली PNG का साइज आपने वीडियो के अंत तक कर देना है। जैसे ही आप वीडियो के अंत तक करोगे, आपको सिंपली फर्स्ट में आ जाना है और आपको यहां पर थर्ड में प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर वीडियो वाले सेक्शन पर चले जाना है और आपको यहां पर एक लिरिक्स वीडियो दे दूंगा तो आप उसी लिरिक्स वीडियो को कर लीजिए सिलेक्ट। लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर ब्लेंडिंग को कर लेना है सिलेक्ट और आपको यहां पर मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करके कर देना है डन। डन करने के बाद आपको सिंपली फिट वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट और आपको इस लिरिक्स वीडियो को अच्छी तरह से नीचे की तरफ कर लेना है फिक्स। फिक्स करने के बाद आपको सिंपली फिर से थर्ड में प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर एक इफेक्ट वीडियो दे दूंगा
तो आप उसी इफेक्ट वीडियो को कर लीजिए सिलेक्ट, और आपको यहाँ पर फिल को कर लेना है सिलेक्ट, ब्लेंडिंग पर चले जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करके कर देना है डन। जैसे ही आप डन करोगे आपको सिंपली इस इफेक्ट वीडियो को कर लेना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद आपको सिंपली इस इफेक्ट वीडियो को सभी फोटो के शुरू में लगा देना है, तो आप लगा दीजिए। जैसे ही आप सभी फोटो के शुरू में लगा दोगे आपको सिंपली फर्स्ट में आ जाना है, और आपको यहाँ पर थर्ड में प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट वीडियो दे दूंगा, तो आप उसी टेम्पलेट वीडियो को कर लीजिए सिलेक्ट, और आपको यहाँ पर फिल को कर लेना है सिलेक्ट, ब्लेंडिंग पर चले जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करके कर देना है डन। डन करने के बाद आपको सिंपली फिर से थर्ड में प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट, और आपको यहां पर फोटो वाले सेक्शन पर चले जाना है, और आपको एक बॉर्डर पीएनजी दे दूंगा, तो आप उसी बॉर्डर पीएनजी को कर लीजिए सिलेक्ट, और आपको यहां पर फिल को कर लेना है सिलेक्ट। फिल को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इस बॉर्डर पीएनजी का साइज भी अपने वीडियो के अंत तक कर देना है। जैसे ही आप वीडियो के अंत तक करोगे उसके बाद आपको सिंपली फोटो के बीच में प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, और आपको यहाँ पर स्टोल डाउन करना है। लाइट को सिलेक्ट करके आपको सिंपली इसका साइज 0.2 सेकंड कर देना है, तो आप कर दीजिए। जैसे ही आप 0.2 सेकंड कर दोगे आपको नीचे अप्लाई 12 वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, हम जो दुर्गा माता के लिए मूविंग लिरिक्स वीडियो एडिट कर रहे थे वह यहां पर अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। तो आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको कोने में एक्सपोर्ट वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, और आपको यहां पर फिर से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। एक्सपोर्ट वाले आइकन को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, हम जो दुर्गा माता मूविंग लिरिक्स वीडियो एडिट कर रहे थे वह यहां पर सेव हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो एडिटिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।